पिछले 3 महीनों से प्याज के दामों में बेतहाशा इजाफा होने के चलते प्याज बाजार से गायब हो गया है। वही प्याज हमीरपुर में 70 से 80 रुपए बिकने से ग्राहक भी प्याज खरीदने से गुरेज कर रहे हैं। हालांकि हमीरपुर में पिछले दिनों प्याज 20 से 30 रुपए बिक रहा था, लेकिन अचानक ही प्याज के दामों में भारी वृद्धि होने से अब लोग भी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि महंगाई के दौर में महंगा प्याज गृहिणियों की रसोई का भी जायका बिगाड़ रहा है। प्याज के रेट में इजाफा होने के कारण हमीरपुर की दुकानों में प्याज गायब हो गया है और बड़े बड़े डेरों की जगह अब केवल 10 से 20 किलो प्याज ही बेचने को दिख रहा है। पिछले 3 महीनों से प्याज के दामों में बेहताशा इजाफा होने के चलते प्याज बाजार से गायब हो गया है। वहीं प्याज हमीरपुर में 70 से 80 रुपए बिकने से ग्राहक भी प्याज खरीदने से गुरेज कर रहे हैं। हालांकि हमीरपुर में पिछले दिनों प्याज 20 से 30 रुपए बिक रहा था, लेकिन अचानक ही प्याज के दामों में भारी वृद्धि होने से अब लोग भी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि महंगाई के दौर में महंगा प्याज गृहिणियों की रसोई का भी जायका बिगाड़ रहा है। प्याज के रेट में इजाफा होने के कारण हमीरपुर की दुकानों से प्याज गायब हो गया है और प्याज के बड़े बड़े ढेरों की जगह से अब केवल 10 से 20 किलो प्याज ही बेचने पर दिख रहा है। प्याज के दामों को लेकर कुछ गृहिणियों से भी बात की। हाँ जानकारी रही है, मेरे साथ नहीं आ रहा तो चलो तुम बात रहो जाओ बात रहो। युक्ति दीक्षा का कहना है कि प्याज का रेट 80 रुपए बिक रहा है, जिसके कारण घर चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्याज के रेट कम होने चाहिए। प्याज के रेट काफी ज्यादा हाई हो गए हैं, 70-80 के करीब चल रहे हैं। हम गृहिणियों को बड़ी दिक्कत होती है, घर के कामों को इसके लिए भी दिक्कत होती है, तो इस कारण मैं कहना चाहती हूँ कि प्याज के रेट कम किए जाएं। आपका नाम है? गृहिणी बिमला सोनी का कहना है कि प्याज के रेट पिछले कुछ दिनों से बहुत बढ़ गए हैं और सरकार को चाहिए कि महंगाई के दौर में प्याज के रेट कम होने चाहिए। क्या रेट मिल रहा है? 60 रुपए। पहले महंगा था इतना? नहीं, क्या मांग है सरकार से? सस्ता किया जाए। सस्ता किया जाए और क्या है? इतना महंगी चीज कैसे, बड़ा मुश्किल है। नीलम शर्मा का कहना है कि सरकार को चाहिए कि खाने पीने की चीजों के रेट कम होने चाहिए और प्याज के रेट को कम किया जाना चाहिए। वहीं मीनाक्षी का कहना है कि प्याज के रेट ज्यादा होने से सभी मुश्किल के दौर में हैं और हर दिन रेट बढ़ने से सभी परेशान हैं, इसलिए प्याज के दाम कम किए जाने चाहिए। सर मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार को इस बारे में जो भी खाने पीने की चीजें हैं उनके ऊपर जो रेट है वो कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं है और खाना पीना हर रोज की इंसान की जरूरत है, और ये जो रेट है ये सरकार को कंट्रोल करने चाहिए। हर कोई 70 रुपये प्याज नहीं खरीद सकता है, या और भी जिन चीज़ों के ऊपर, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर जो इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ रही हैं वो सरकार को कंट्रोल करनी चाहिए। मार्केट में प्याज जो वो 70 रुपये किलो हो गया है, अब हर कोई प्याज, मतलब प्याज के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, तो इतना मतलब सरकार से हम यही मांग करेंगे कि जितना सस्ता हो सकता है उतना कीजिए। हम हर रोज इतने मतलब हर रोज हम मार्केट में जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो हर रोज हाई हो रहे हैं रेट, तो सरकार से हमारी यही मांग है कि प्याज को कम किया जाए और बाकी जो भी है उसको भी कम किया जाए, बस यही है। आपका नाम? वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।